दूसरी बार भागी नाबालिग बच्ची, 28 साल के लड़के के साथ पुलिस से शिकायत करने के बाद भी नहीं कर रही पुलिस कोई ठोस कार्रवाई। खबर शिवपुरी से है, जहां श्रीराम प्रजापति अपनी पत्नी के साथ आकर अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने वाले आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की एवं पुत्री को वापस सुपुर्द करने की एसएसपी से लगाई गुहार। जहां बताया गया कि पुत्री को आरोपी द्वारा पूर्व में भी अपहरण करने की घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद आज पुनः आरोपी द्वारा नाबालिग बच्ची को अपहरण कर ले गया, जहाँ एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। हमराज पाल ले गया करार खेलेगा, उसकी उम्र 28 साल, हमारी बच्ची 14 साल की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। कब लेके गया वो? ये दूसरी बार ले गया है, आज ही ले गया दूसरी बार। हमने पीछा किया, दो गाड़ी वाले आए थे घर से, उसकी माँ में धक्का देकर चले आई, मैं सब्जी लेने गया था। मैं इस पर कार्रवाई पहले ही नहीं करी किसी ने भी। पहले कब भागी थी? पहले 1 फरवरी को भागी थी। 1 फरवरी हाँ, कॉलर थाने वाले ने हमको बताया था, कॉलर से पड़ोरा से पड़ोरा मिल गया हमको। हाँ, मैं आधार कार्ड नाम लगा के मैं दर्ज रिपोर्ट कराई थी, किसी कार्रवाई नहीं हुई हमारी, लड़के वाले को उठाने की कार्रवाई नहीं हुई। तो लड़का कहाँ का है? लड़का है कलार खेरे का लड़का है। कौन क्या है, पूरा नाम लिखता है वो? खेमराज पाल रवि, पता लिखे ना ओमकार पाल। अच्छा, आप क्या लिखते हो पूरा? श्रीराम प्रजापति। अच्छा, तो आपकी बेटी का उससे कब से क्या संबंध बना? क्या कि गाँव में काम चल रहा था, हमारी जो माँ है 85 साल की है, भैया तो दिमाग से भी दिमाग है, वहाँ काम चल रहा था पीएचई लाइन का, तो हम रहते हैं कोलार में, चलता हूँ बस पे। तो संबंध कब बने, मतलब कब दोस्ती आ रही हुई? संबंध दोस्त आ रही कि जो गांव वालों ने हमको एक दिन सूचना की। हाँ। ये अच्छी से बात था, हमारे बच्चे लेने गए, एक रात हमको रही यहाँ से चली गई कोलारस से। अच्छा। हाँ, इसमें कार्रवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। तो अभी क्या आपको जानकारी है कि आपकी बच्ची और वो लड़का कहाँ है? अभी कोई जानकारी नहीं, तक लड़की का पीछा करा था, अभी कोई जानकारी नहीं। आप क्या चाहते हैं? अब तो अभी से कार्रवाई चाहते हैं आप।